हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आरसी कुमावत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेएनसी के ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में अपने स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो एक टॉपिक था ईटी ट्यूब, उसके ऊपर डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड कंटिन्यू आज अपन करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका स्किल टेस्ट में बहुत बार एग्जाम वहाँ पूछा जाता है, और वो है एम्बू बैग या बैग एंड मास्क वेंटिलेशन टेक्निक। तो उसके बारे में डिटेल में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एंड एम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बात करें बैग एंड मास्क के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो है एम्बू बैग। एम्बू बैग की बात करें, एक बैग है जो आपको यार दिखाई देगा, मैं अभी आपको शो करता हूँ, ये इसको अपन बोलते हैं एम्बू बैग। इसके दो पार्ट हैं, यहाँ पे इस पार्ट को ये अपन डीएटीएच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये तो है आपका मास्क, और ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, बैग है, जिसको अपन बोलते हैं एम्बू बैग। बात करें इसकी, इसके अंदर अपन एयर इसके पीछे ऑक्सीजन सोर्स के थ्रू ऑक्सीजन कलेक्ट करके जैसे इनको 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के थ्रू पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि ये जो एम्बू है, ये एम्बू एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीथिंग यूनिट। बहुत बार पूछा गया है कि एम्बू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीथिंग यूनिट, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एम्बू। इसके दो पार्ट, एक मास्क और उधर बैग आपका। बात करें इसके यूज की, तो कॉमनली यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो पॉजिटिवली एयर प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव प्रेशर का मीन्स है कि जब हम क्या करें, बाहर का प्रेशर ज्यादा कर दे और अंदर का आपका लंग्स का प्रेशर क्या है कम है, तो एयर ऑटोमेटिकली क्या जा सकती है, आपकी लंग्स में चली जाएगी। तो इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए हम हाई प्रेशर के साथ में एयर अंदर डालते हैं वेंटिलेटर के थ्रू, वो कहलाता है आपका पॉजिटिव प्रेशर एयरवे। और एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें हम बाहर के प्रेशर को कम कर दे और अंदर के प्रेशर को हम क्या करें, ज्यादा कर दे लंग्स के प्रेशर को। और ऐसा तब हो सकता है जब हम एक क्लोज कैविटी क्रिएट करें और उसका सारी एयर को निकाल के नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें, तो वो कहलाता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही यूज करते हैं, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज नहीं किया जाता है। तो पहला यूज हो गया इसका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड कराने के लिए। किसको प्रोवाइड कराना है, जो पर्सन सेल्फ से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं या एडिक्वेटली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो मेन पर्पज है यूज करने का वो है, हम इसको यूज करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए आप एम्बू बैग यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट को आप इंट्यूबेट करने जा रहे हैं, ईटी ट्यूब डालने जा रहे हैं, तो ईटी ट्यूब डालने से पहले हम पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट सेल्फ से ब्रीथ नहीं कर पाएगा और उस टाइम आपको पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एम्बू बैग यूज करोगे। या फिर ऐसी कंडीशन जैसे आपको सक्शनिंग करनी है, सक्शन करने से पहले भी हम पेशेंट को हाइपरऑक्सीजनेट करते हैं, वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, एम्बू बैग यूज कर सकते हैं। तो इन दो कंडीशन जो शॉर्ट टाइम के लिए है वहां हम एम्बू बैग यूज करते हैं। उसके अलावा यूज ऑफ मैनुअल रिसक्सिटेशन टू वेंटिलेट पेशेंट इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड बैगिंग। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे डॉक्टर आता है वार्ड में या आईसीयू ओटी में, डॉक्टर आके बोलता है कि पेशेंट को बैगिंग करिए, आपको पता ही नहीं है बैगिंग क्या होता है। तो बैगिंग का सिंपल सा मीनिंग है एम्बू बैग के थ्रू पेशेंट को वेंटिलेट करना क्या कहलाता है, बैगिंग। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन, अगर आप एम्बू बैग से वेंटिलेट कर रहे हो तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एम्बू बैग के थ्रू पेशेंट को एक लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम मिलता है, और जब ज्यादा वॉल्यूम लंग्स में जाएगा तो वो क्या कर सकता है, लंग और स्टोमक के अंदर आपका जैसे बात करें एयरवे की, जो अपना एयरवे है, एयरवे और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपका जो फूड ट्रैक्ट है, जीएफटी ट्रैक्ट, दोनों एक साथ सिमिलर होते हैं। ये आपका एयरवे और एक तरफ आपका ये एयरवे और ये जीएफटी ट्रैक्ट। तो जब हम एम्बू करेंगे तो एयर मे बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकती है और मे बी आपके जीएफटी ट्रैक्ट में भी जा सकती है। जब ये एयर जीएफटी ट्रैक्ट में जाएगी तो जो आपका आगे का ऑर्गन जो स्टोमक है, ये स्टोमक क्या हो सकता है, इन्फ्लेट हो सकता है। और स्टोमक जब इन्फ्लेट होगा तो वापस बैक फ्लो आएगा और पेशेंट क्या कर सकता है, वोमिट कर सकता है। जब ये वोमिटिंग करेगा तो वोमिटिंग बाहर निकलेगा, उस टाइम पेशेंट मे बी क्या कर सकता है, इसको एस्पिरेट भी कर सकता है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, स्टोमक इन्फ्लेशन हो सकता है, मे बी लंग्स एस्पिरेशन हो सकता है,
अगर आपने एयर बहुत ज्यादा इंसर्ट करी तो उसकी वजह से क्या हो सकती है पेशेंट को, लंग इंजरी हो सकती है या एयर एम्बोलाई बन सकता है। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको याद रखने एग्जाम में कि क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है एम्बू बैग को अगर आपने प्रॉपर यूज नहीं किया तो। नेक्स्ट अपन बात करें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन टेक्निक, किन किन टेक्निक के थ्रू हम पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हम दो टेक्निक यूज करते हैं, पहली टेक्निक का नाम है सी एंड ई टेक्निक और दूसरा है वी एंड ई टेक्निक। आपकी दो टेक्निक है टू हैंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जिसके अंदर और विद द डबल सी एंड ई और विद द वी एंड ई टेक्निक। सी की बात करें तो जो आपका थंब है और जो फर्स्ट थंब के नियर फिंगर है ये दोनों क्या फॉर्म करती है, एक सी फॉर्म करेगी और जो रिमेनिंग थ्री फिंगर है वो क्या बनाएगी, ई बनाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं सी एंड ई टेक्निक। और दूसरी टाइप की जो टेक्निक है वी, इसमें जो अपन मास्क को अभी मैं आपको पिक दिखाऊंगा उसमें इजीली समझ में आएगा, तो ये बनेगा इस टाइप से वी और ये चारों फिंगर में थ्री फिंगर जो है वो बनाएगी ई। तो आगे अपन देखते हैं कैसे बनेगा ये। पहले टेक्निक के बारे में अपन बात करते हैं विद द डबल सी एंड ई टेक्निक। ईच थंब एंड इंडेक्स फिंगर, आपका थंब और इंडेक्स फिंगर क्या बनाएंगे, फॉर्म एस सी शेप ओवर ईच साइड ऑफ द मास्क, मास्क के ऊपर इस तरह से दोनों टाइप सी बनेगा और तीन जो फिंगर है वो तीनों क्या करेगी, the third, fourth and fifth finger of the both hand lift the mandible toward the mask. Very very important. Last year abhi AMS mein question pucha gaya tha ki jo aap V and jo C and E technique mein jo little finger hai wo kya kaam karti hai, little finger kya karne ka purpose hai. To yaad rakhna hai third, fourth aur fifth finger ka purpose kya hai, mandible ko mask ki tarah lift karna या उठा के रखने का काम किसका है, तीनों फिंगर का है। चाहे लिटिल फिंगर पूछे चाहे थर्ड फोर्थ दोनों के बारे में पूछे, पर्पज क्या है इनका, तो लिफ्ट द मैनिबल टुवर्ड द मास्क। इस टेक्निक में आप देख रहे होंगे इजीली यहां पे आप देखोगे ये जो दोनों फिंगर है ये तो बना रही है सी और जो रिमेनिंग थ्री फिंगर है वो क्या बनाएगी आपका ई। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं सी एंड ई टेक्निक। और सी एंड ई और ये हो गया डबल, दोनों तरफ बन रहा है इधर भी है और इधर भी है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं डबल सी एंड ई टेक्निक। बहुत ही इजी है याद रखना है, मास्क के ऊपर दोनों तरफ ऐसे रखेंगे वो मास्क को दोनों सी क्या कर रहा है, मास्क को होल्ड करेगा और तीनों फिंगर का क्या पर्पज है, तो लिफ्ट द मैंडिबल टुवर्ड द मास्क ताकि मास्क पूरी तरह से फिट हो जाएगा और इसमें किसी टाइप का कोई लीकेज होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एम्स में लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो टेक्निक नीचे ये पिक आया था एग्जाम में और वहां पूछा था कि जो लिटिल फिंगर है उसका क्या पर्पज है, लिटिल फिंगर का एक ही पर्पज है to lift the mandible toward the mask और मास्क को पूरी तरह से फिट करेगा ताकि किसी टाइप का कोई लीक होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये तो है पहला टाइप आपका सी एंड ई टेक्निक। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड टाइप वो है वी एंड ई टेक्निक। सेम प्रैक्टिस के बेस पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो सी फॉर्म करके मास्क को होल्ड करते हैं और मे भी हो सकता है कुछ डॉक्टर को प्रैक्टिस हो कि वो थंब हो जो आपका थाइना रेमिनेंस ये पार्ट है इसको अपन बोलते हैं थिना रेमिनेंस, इस थिना रेमिनेंस और थंब के थ्रू क्या करते हैं मास्क को होल्ड करते हैं। तो अपने पे प्रैक्टिस होती है, कोई इसका इंडिकेशन नहीं है कि सी एंड ई टेक्निक कब यूज करेंगे और वी एंड ई कब यूज करेंगे, कोई इंडिकेशन नहीं है, जिसकी जैसी प्रैक्टिस है वो वैसा यूज कर सकता है। बस हमें ध्यान रखना है सी एंड ई क्या होता है और वी एंड ई क्या होता है। The thumb and the thinner remnants are placed over each side of the mask. Thumb आपका और thinner remnants जो आपके हाथ में ये उभार वाला part thumb के just नीचे इसको अपन बोलते हैं thinner remnants। तो इस part से हम क्या करेंगे mask को इस तरह से hold करेंगे और जो चारों finger है वो क्या करेगी mandible को lift करने का काम करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे the thumb and thinner remnants are placed over each side of the mask while the second through fifth digit pull the jaw upward. इसमें आप देख रहे होंगे पिक में इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो पहले जो था उसमें सी फॉर्म हो रहा था लेकिन यहाँ सी नहीं है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ बन रहा है ये वी और जो रिमेनिंग तीन फिंगर है वो क्या बनाएगी ई। सेम ऐसा इधर भी है ये वी और जो पीछे रिमेनिंग थ्री फिंगर है वो क्या बनाएगी आपका ई। इसने इसको क्या नाम दिया वी एंड ई टेक्निक, लेकिन पहले वाला भी क्या था सी था इसने उसको नाम दिया सी एंड ई टेक्निक। तो यहाँ पे अगर पूछ ले कि इन फोर फिंगर का क्या पर्पज है तो इनका एक ही पर्पज है मैंडिबल को लिफ्ट करना टुवर्ड द मास्क की तरफ ताकि मास्क पूरी तरह से फिट हो जाए और किसी टाइप का कोई भी लीकेज नहीं हो। और इस थंब का क्या पर्पज है तो मास्क को ऊपर से फिट रखेगा, पकड़ होल्ड करने का, मास्क को होल्ड करने का काम किसका है थंब का है और जो को ऊपर लिफ्ट करने का काम किसका है आपका
इस जो फोर्थ फिंगर, जो चारों फोर्थ फिंगर है, उन चारों का काम है लिफ्ट करके रखना मैंडिबल को। तो इस टेक्निक को अपन बोलते हैं वी एंड ई टेक्निक। तो अपन ने दो टेक्निक देखी, पहला आपका था सी एंड ई टेक्निक और दूसरा है आपका वी एंड ई टेक्निक। दोनों में से किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए, प्रीवियसली जो पिक दिया था दिल्ली एम्स के अंदर, उसमें ये लिटिल फिंगर जस्ट इंडिकेट किया था कि ये फिंगर का क्या पर्पज है इस तरह होल्ड करने का, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैंडिबल को मांस की तरफ लिफ्ट करने का पर्पज है आपके इस लिटिल फिंगर का। और हो सकता है स्किल टेस्ट में आपके सामने इनपुट भी रख दिया जाए, आपको पूछा जाए कि इसको सी एंड ई टेक्निक के थ्रू होल्ड करिए या वी एंड ई टेक्निक के थ्रू होल्ड करिए, तो आप इजीली मास को पकड़ना है और इजीली आप क्या कर सकते हैं इस दोनों टेक्निक जो भी पूछे आप होल्ड कर सकते हैं। इन दोनों पिक में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये था पूरा बेग एंड मास्क वेंटिलेशन और एम्बू बेग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और स्किल टेस्ट के बारे में, जो भी अदर टॉपिक है उनके बारे में कंटिन्यू हम डेली कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो आप बने रहिए जेएनसी के साथ में। थैंक यू।